और YouTube चैनल बहुजवेरिया सिद्दीकी, मेरे साथ है अलीजा ताहिर और मैं हूँ फैसल हरल। भाई आज बात हो रही है सब्जियों की, वेजिटेबल्स की और मे बी फ्रूट्स की भी बात हो रही है। और एक इंडियन व्लॉगर बेचारा मैं उसको कहूंगी, वो पाकिस्तान आ गया है और मुझे थंबनेल से लग रहा है कि वो बहुत कोई परेशान है। उसने तो ऐसे रेट जिंदगी में कभी नहीं सुने होंगे। वो बहुत परेशान हुआ है हमारी वो मंडी वगैरह में आके ना, और वो रेट्स जान के। तो अब देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। और उसका तो सर इसलिए जवेरिया चकराया होगा ना कि एक बंदा जो है वो 20-30-40 रुपए की कोई चीज उसने खरीदता रहा एकदम से उसने वो चीज 400-500 की देखी हो, वो भाई आ जाएगी, तो वो तो उसका दिमाग तो हिल जाएगा ना, वो तो हिल जाएगा कि यार ये क्या है, मतलब ये क्यों है, ये कैसे मतलब मैंने क्यों खाने में से अच्छा फाइव स्टार होटल चला जाऊं वहां पे बैठ के खा लूं। लेकिन अब देखते हैं कि वीडियो में क्या है। इंडिया में इस बात के कोई इंडिया की बात ना करें, आप पाकिस्तान की बात करें। भाईजान मैंने बोला, मैंने यही बताया, वहाँ किलो के हिसाब से मिलते हैं और यहाँ पे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। मैंने कोई गलत नहीं कहा, कोई आपको गाली नहीं दी। भाई आप सारे गुस्सा हो गए यार। आप मुझे पूछ रहे थे मैं कहाँ से हूँ, मैं इंडिया कश्मीर से हूँ। 200 रुपया किलो टमाटर। भाई जिंदगी कैसी चल रही है अभी? जिंदगी थोड़ी सी अच्छी भी है। अच्छा थोड़ी सी बुरी भी है। ये भी अफगानिस्तान। मैं हूँ जनाब अभी गुजरांवाला पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान की 5वीं लार्जेस्ट सिटी है। गुजरांवाला ये पाकिस्तान के पंजाब में आता है। तो अभी पंजाब में ये मैं एक फ्रूट मार्केट में हूँ। एक्चुअल में आपको पता है कि पाकिस्तान में 2 साल से क्राइसिस चल रहे हैं, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, अभी तक भी गवर्नमेंट नहीं बनी है, कोई भी रिजल्ट नहीं है चल रहे। मैं एक फ्रूट मार्केट वेजिटेबल मार्केट में आया हूँ और यहाँ पे फ्रूट मार्केट के प्राइस, यहाँ पे फ्रूट्स के प्राइस, यहाँ पे वेजिटेबल्स के प्राइस क्या चल रहे हैं सभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। फ्रूट मंडी के बाहर आप इन लोगों को देख सकते हो, ये सारे बेचारे मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं और फ्रूट्स को बाहर जिसको ले जाना होता है तो वो सब लोग ये करते हैं। ये फ्रूट्स को कहाँ लेके जाते हैं? मंडी से लेके आते हैं बाहर, अड्डों पे लेके जाते हैं। ये टोकरी उठा के ये लाई है, अफरा तफरी पे स्टॉक करते हैं, फिर बाहर से बेचते हैं। अभी मंडी के अंदर एंट्री करते हैं। मंडियां ऐसी ही हैं, ऐसी होती हैं। भाई साहब हो गई मेरी फ्रूट मंडी में एंट्री, तो अभी लोगों से बातें भी करेंगे और फ्रूट्स के और वेजिटेबल के प्राइस भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बे क्या नाम है इस फ्रूट का? बेर। बेर ये कैसे है किलो? बेला नहीं है भैया, ले क्या है? 100 रुपए किलो, 150 रुपए। ओके 100 रुपए, 150 रुपए किलो है। सॉरी भाई अभी ये सारा का सारा बैर का है भाई। अभी आप रश देख सकते हैं कितना ज्यादा रश है। भैया ये आपके ये कैसे किलो देते हैं आप? भाई दर्जन देते हैं, 80 रुपए दर्जन। 80 रुपए दर्जन, 12 पीस 80 रुपए के। यार ये तो बहुत सस्ते हैं, यहाँ पे माल्टा है ना, ये भाई 80 रुपए के 12 मिलते हैं। ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे ऐसा ही है। बढ़िया बढ़िया, जिसका बहुत ज्यादा फ्रूट उस मौसम में आता है वो बड़ा सस्ता।
लाल माल्ट है अच्छा अच्छा ये है जी ये लाल माल्ट है ये सर्दियों ये कैसे देते हैं आप किलो किलो नहीं एक पल्ली है जी 1000 मेरे बच्चे 80 पीस इसमें 80 पीस है इसमें तो ये 1000 की है अरे भाई साहब ये जो पूरा इन्होंने बना के रखा हुआ है इसमें बोल रहे हैं 1000 की 80 पीस होते हैं इसमें ठीक है जी ओके हो गया जी पाकिस्तान में ना जब बात हो जाती है कंप्लीट हो जाती है उसमें बोलते हैं ओके हो गया जी सही हो गया जी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये सही हो गया जी क्या हाल चाल है लेकिन ये कैसे है ये भाई 500 लगेगा ये 500 का पूरा 500 ओके ओके हो गया जी बढ़िया ये होलसेल में गया तो माल्टे तो क्राइसिस में भी सस्ते हैं ज्यादा महंगे नहीं है मेरे हिसाब से तो सस्ते हैं आपके आपके हिसाब से क्या है जरूर बताइएगा आपको पता लगेगा इसको ये कैसे है किलो ये पेटी 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 कैसे है ये 800 की 800 की किलो पेटी सारी पूरी पेटी और फिर कैटेगरी भी होती है बहुत अभी ये भाई साहब 800 की किलो बड़े काम कैसा चल रहा है गुजारा ये मिठाई गुजारा ज्यादा अच्छा नहीं है चलो अच्छा हो जाएगा अच्छा यहाँ पे डिफरेंट क्वालिटीज के आपको सेब दिख रहे हैं यहाँ पे और पाजी अस्सलाम वालेकुम इनका सबका रेट भी अलग अलग से है हाँ जी भाई आपके पास वो जो सामने है उसका रेट क्या है 800 के पाँच ये किलो कितना किलो 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 के हिसाब से नहीं देते क्या 160 रुपए किलो ये रेड वाला ये खराब है ये तो महंगा होगा ये तो जबरदस्त दिख रहा है ये भी गोल्डन एप्पल है जी। ये कितने का है 200 रुपया किलो ये उससे भी बढ़िया है ये कितने का है ये 200 रुपए अच्छा ये सारे 200 रुपया किलो और ये सारे गोल्डन एप्पल है जी। ओके हो गया जी और वो जो सामने है वो काला कुल्लू काला कुल्लू ये कितने पे कितने का है 300 रुपए ओके तो ये भाई साहब 300 का है जी चलो शुक्रिया पाजी गफार मुसाफिर 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 अच्छा वो जो पैक माल्टे थे उनका रेट मैंने आपको बताया ये खुले माल्टे हैं और ये पूरी पेटी देते हैं इसमें तो अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप ये माल्टे कैसे हैं आप केजी के किलो के हिसाब से देते हैं पेटी के हिसाब से तो पेटी कैसे देते हो ये 1000 1050 1100 ये रेट चलता है कम ये रेट चल रहा है तो ये जो लोग आके बेचते हैं वो किलो के हिसाब से बेचते हैं वो दर्जन के हिसाब से दर्जन के हिसाब से दर्जन कैसे है 300 रुपया 350 रुपये के दर्जन के हिसाब से अच्छा लेकिन ये क्वालिटी आपके पास अच्छी क्वालिटी है ना अच्छी क्वालिटी वाले हैं ओके सर थैंक यू अल्लाह हाफिज़ भाजी इधर ना किए खरबूजा है कितने का किलो है 200 रुपया किलो चलो ओके हो गया जी रेट काट है अच्छे वाला ना अच्छे वाला वो वाला 200 रुपया इसका कितना है इसका 150 इसका 150 है बिकने वाला वाले ओके बहुत हरा है अच्छा ये नहीं बिकने वाला है जो थोड़ा सा पीला हो जाता है वो बिकता है ना बिक जाता है ओके तो इन सब के अलग अलग रेट होंगे इसका कितना है ये 800 रुपए तरीके है ओके 750 रुपए तरीके है ओके 700 ओके सर थैंक यू जो हरा निकलता है फिर उसको क्या करते हो उसको अखबार में रख के ना दूसरे तीसरे दिन फिर बेच देते हैं घट वध रेट करके ओके चलो ऑल द बेस्ट तो वो था जी छोटे वाला खरबूजा और ये है पपीता पपीता है पाजी हाँ जी इसका क्या रेट है पपीता यहाँ पे 250 ये है 250 जनाब और ये है 200 टॉप क्वालिटी में 250 मिलते हैं हाँ जी 200 ये वाला है भाई 200 आप भी अपनी कंट्री में बताते रहिए अपने शहर में बताते रहिए कि आपकी कंट्री में फ्रूट्स के रेट्स
क्या चल रहे हैं जरूर बताइएगा। माल्टा मेरे हिसाब से कुछ हद तक सस्ता है। माल्टा इस मंडी में ये बहुत ज्यादा दिखे मुझे। चलो अभी बनाना को ढूंढते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, सस्ती तो है मतलब इसका। ठीक है आप ये क्या पता और महंगी सोच कर आया हो कि बड़ी महंगी हो। 200 रुपए किलो वो वाला, 150 रुपए किलो। चलो शुक्रिया जी, ओके हो गया जी। माल्टा इस मंडी में ये बहुत ज्यादा दिखे मुझे। चलो अभी बनाना को ढूंढते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, ठीक है आप, आपके सेब का रेट क्या है? 200 रुपए किलो वो वाला, 150 रुपए किलो। चलो शुक्रिया जी, ओके हो गया जी। फिर उसके बाद है ये हमें बनाना भी मिल गया है। बनाना तो अच्छी क्वालिटी के नहीं है लेकिन फिर भी भाई से पूछ लेते हैं। 150 रुपए टॉप क्वालिटी का कितने का होगा? 200 रुपया दर्जन। बढ़िया बढ़िया जी, टॉप क्वालिटी। ओके अब दर्जन के हिसाब से बेचते हो किलो के हिसाब से बेचते हो? दर्जन के हिसाब से। ओके दर्जन के हिसाब से बिकता है। मैं जब छोटा था तब हम दर्जन के हिसाब से लेते थे लेकिन अभी मेरे हिसाब से किलो के हिसाब से मिलते हैं। इंडिया में भी इंडिया से हूँ। अच्छा आके खुल दिया है लोगों की। आलू भी लेना है मैं वो तो नहीं कह रहा हूँ आपको कुछ है। आप कह रहे इंडिया में इस बात होती है, वो इंडिया की बात ना करें, आप पाकिस्तान की बात करें। भाई जान मैंने बोला कि वहाँ पे किलो के हिसाब से देते हैं, यहाँ पे दर्जन के हिसाब से देते हैं। जब भी कहो अपने मुल्क की बात हम इस मुल्क के पसीने हैं। बाहर की बात हम पाकिस्तान इसीलिए कामयाब नहीं है, बाहर की बात करते अपनी बात करते नहीं। मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ बाजी, मैं कश्मीर से हूँ, इंडिया कश्मीर से। यहाँ के मैंने यही बताया वहाँ किलो के हिसाब से मिलते हैं और यहाँ पे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। जो सीधी बात की ना उसको तपला है और अपने मुल्क की बात। आप सारे गुस्सा हो गए यार। चलो सॉरी मेरे से कोई गलती हुई है तो। अस्सलाम वालेकुम, बढ़िया है। तो ये है भाई हमारे पास अनार, अच्छी तरह बड़ी बात कर रहे हैं। 400 रुपए किलो, चलो सही हो गया जी। 400 रुपए का किलो है ये अनार, सारी क्वालिटी का 400 रुपए किलो है। और ये 500 रुपए किलो स्ट्रॉबेरी, 500 रुपए किलो। ये है भाई साहब स्ट्रॉबेरी 500 रुपए किलो। बाकी सेब का रेट है जो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद एक चीज मैंने और देखी वहाँ पे, वो लास्ट पे है कीवी। कीवी कीवी कैसे है? 800 रुपए का एक डब्बा। 800 रुपए का एक डब्बा। अच्छा ये है जी अंगूर, ऐसे टॉप क्वालिटी का तो मुझे नहीं लग रहा है। इसलिए तो वो ये कैसे है? ये भाई 800 रुपए किलो, ये 750 रुपए। इतना 750 800 रुपए किलो अंगूर। ये जो रिजेक्टेड नहीं होते, रिजेक्टेड आ जाते हैं। कैसे भाई नारियल पीस के हिसाब से देते ना? कैसे एक पीस देते? 300 रुपए का एक, 400 एक, 300 का एक, 400 का। 300 वाला क्या छोटा होता है? 300 छोटा, 400 बड़ा। अच्छा ये भाई छोटे वाला 300 का और बड़े वाला 400 का। ओके सर, ओके हो गया जी, थैंक यू। ये अनार मैं देख सकता हूँ ये अनार की क्वालिटी है जो नहीं वो रेड वाले मिलते हैं। कौन क्वालिटी क्या नाम है इसका? मदाना अनार इसको बोलते हैं। 20 है बगैर होता है, बीज के बगैर होता है। इसको सुखाया जाता है? कुदरती सूख जाता है। तो क्या रेट है इसका? इसका 45 रुपया पेटी का। 45 रुपए ये पूरी पेटी। इसमें कितने पीस होते हैं? 7 किलो, 8.5 किलो। ओके सर, थैंक यू। मैं आया हूँ इंडिया से, इंडिया कश्मीर से। कश्मीर से? हाँ। अच्छा तो ये फ्रूट्स हैं जो ये यहाँ के नहीं है, ये कहाँ से आते हैं? पेशावर से यहाँ पे आता है। ओके ये सारे फ्रूट्स मैक्सिमम। ओके थैंक यू सर, चलो थैंक यू।
अच्छा ये भी बढ़िया है जी, ये भी अफगानिस्तान से? हाँ जी, ये भी उधर गई है। जबरदस्त है, जबरदस्त। इसके ऊपर VIP लिखा हुआ है। तो ये है भाई इस साइड केले की मंडी सारी, आप देखेंगे पूरे के पूरे केले यहाँ से ले जाए जा रहे हैं। देखिए भाई काटने की स्कीम बढ़िया है, बढ़िया है। इसको काट के भी ये कहाँ ले जा रहे हैं? दुकान पे बेचना नहीं जाके। अच्छा ये आप अपने लिए ले रहे हो? नहीं अपने लिए, यही बाहर सेट से मजदूरी कराने हैं ना, अपने पास ले। कुछ केले वाले भी लेते हैं ना जाके, फिर रेडियो पे लगा देते हैं। हाँ ये वैसे बड़ी मंडी है। अच्छा कुछ लोग होते हैं वो लेते हैं डायरेक्ट मंडी से फ्रूट आके। अच्छा वो सुहा के ये एक एक पीस देते हो? एक पीस कितने का? 20 का। अच्छा ये भाई मसवा के जैसे टूथब्रश की जगह जो यूज करते हैं कैसे हो? अल्लाह का शुक्र आप सुनाए। हाँ बिल्कुल बढ़िया है। मंडी का चल सब करने आए आप? हाँ देखने हो कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान तो यही है बस, मंगाई है बढ़िया अच्छा काम हो जाए। जिंदगी कैसी चल रही है अभी? जिंदगी थोड़ी सी अच्छी भी है। अच्छा। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, थोड़ी इसलिए महंगाई है। अच्छा ठीक है बढ़िया, कुछ रहना कुछ रहना अच्छी बात है। आपकी लाइफ कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है। बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया। आप जबरदस्त है, आप खुश है? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश रहिए। बढ़िया बढ़िया अल्लाह पाक का शुक्र है, जबरदस्त। आमीन आमीन आमीन। सब्जी केड़े पास आ गई? अच्छा अभी हम सब्जी भी देखेंगे। ओके भाई साहब मैं पंजाबी भी बोल लेता हूँ, ये मत सोचिए कि मुझे पंजाबी नहीं आती है, फ्लुएंटली पंजाबी में भी बात कर सकता हूँ। फ्रूट्स के रेट मैंने बताया आपको, लोगों से कुछ कुछ बातें भी करी और हर बंदा जिससे भी मैंने बात करी महंगाई को लेके वो बात कर रहे थे, महंगाई से बहुत तंग है यहाँ के लोग। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ वेजिटेबल मार्केट में। अभी वेजिटेबल मार्केट के क्या प्राइसेस चल रहे हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन जब वो मुझे पूछ रहे थे कि मैं कहाँ से था, मैं कहाँ से हूँ, और मैं जब अपनी कंट्री के लिए बताता था वो लोग कहते थे यार आपकी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने तो आपके देश को बहुत आगे ले गए। तो वो महंगाई से बहुत ज्यादा तंग है यहाँ पे लोग। चलिए अब सब्जी का रेट पता करते हैं क्या चल रहा है। अच्छा तो सबसे पहले मेरे मटर जो हमेशा के लिए फेवरेट रहते हैं, आप के हाल क्या हाल चाल है? आप मेरे को मेरी कंट्री पूछ रहे थे, मैंने अभी अपनी कंट्री नहीं बताई है। कितने का किलो है? 600 का भाई। 600 का किलो? 100 का एक किलो। 100। ओके बढ़िया। यही वहाँ पे ना 15-20 रुपए का किलो है। 250 रुपए किलो। 250 रुपए किलो। गाजर में देख रहा था 10 रुपए किलो। ये 1 के 33 रुपए का है। 100 का 16 किलो। ये मटर। ओके। अच्छा फिर उसके बाद ये है जी पाकिस्तानी टमाटर, 100 रुपए किलो है। कितने का है? 200 का। 200 का अब ये 370। 200 रुपए किलो टमाटर भाई, 170 रुपए एकदम। 600 रुपया किलो जिंजर, 600 रुपए। हाँ जी मसाला बहुत महंगा है, ये 60-70 रुपए, 50-70-80। ये कैसे है किलो? 200 रुपया। ग्रीन चिल्ली 200 रुपया किलो। और ये थूम कैसे है? लहसुन? ये लहसुन 800। लहसुन है भाजी 800 रुपया किलो। और ये वहाँ पे होना है, कितना है कौन? आलू का ओनर 70-80-80 40-50 का। बहुत बड़ी महंगी सब्जी भी आलू है 50 रुपए किलो। प्याज तो बढ़िया जबरदस्त है यार, मोटा मोटा प्याज है। कितने का भाजी? 200 रुपए किलो। अब 380 का। अदरक दा हो गया, ये भी हो गया। शिमला मिर्च कैसे है? 300 किलो। और एक ये धनिया
है, पुदीना है। पुदीना, अच्छा पुदीना है। ये कितने का है? 10 रुपए का। ओके हो गया जी। जिंदगी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। ओके ओके, बहुत बढ़िया है। कैसे हो भैया? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है। कैसे है ये? मेरा 80 रुपए के किलो। 80 रुपए के किलो, ये फिर भी ठीक है, बेहतर है। वो हमारे लिए, अगर हम कंपैरिजन में जाएंगे तो वहाँ 10 रुपए 15 रुपए वो हमें बड़ा लगता है। 80 रुपए की चीज़ वो कैसे किलो? हमने 400-500 की खरीदा, फिर हमें सस्ती लगी। जो अंडा हम 35-40 का खरीद रहे थे वहाँ पे 6-7 रुपए। अभी भी सर्दियों में तो 35 रुपए का था, और फिर रेट कम हो गया। चैनल केड़ा है? चैनल का नाम है YouTube पे भी, Facebook पे भी, ठीक है? आप वहाँ पे जाएंगे तो आपकी वीडियो मिलेगी आपको। ओके हो गया। अच्छे भी है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह ट्रीट कर रहे हैं। वो एक दो बीच में बड़े जायल और बदतमीज थे, एक था, मेरे बड़े अबू तक आ रहे हैं, सारे बड़ा अच्छी तरह ट्रीट कर रहे हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं। पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं। इंडिया में क्या हालात है? बड़े सस्ते हैं, इतने महंगे नहीं आ गए। उधर सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं। अच्छा, वो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुझे वापिस अपने घर जाना है। मैं किसी भी गवर्नमेंट मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूँगा भाई, मुझे वापस घर में भी जाना है। वो उसने पूछा ना कि इंडिया में क्या रेट चल रहा है, तो उसने कहा बड़े सस्ते हैं, फिर उसको गुस्सा आ गया ना। अच्छा, वो एक अंकल ने कहा कि आप आए महंगी जगह पर, आगे जाएं, फिर क्वालिटी भी चेंज हो जाती है ना। क्वालिटी 2 किलो 50 की, शुक्रिया, थैंक यू। मिर्ची का क्या रेट है? 180 रुपए। पीछे 100 बता रहे थे, अच्छा हर बंदे ने को अपना अपना रेट लगाया होगा, जो जिसको लूट ले, जितना महंगा लूट ले। बैंगन बहुत बड़े हैं यहाँ पे भाई साहब, कैसे हैं? किलो किलो 80 रुपए किलो है। ओके बढ़िया, बड़ी मार्केट है भाई, बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे, और दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आपको इस मार्केट से नहीं मिलेगी। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। ब्रोकली नहीं मिलेगी, ब्रोकली ढूंढ के दिखाओ। मुंगरी, मुंगरे की सब्जी बनती है, एवोकाडो भी नहीं मिलेगा। ओके, कितने की किलो है? 250 किलो जी। 250 किलो। ओके, गोभी कैसे है? वो 140 रुपए। और ये? ये 200 का मुठा। 200 का मुठा, चलो शुक्रिया। ओके, ये है भाई चुकंदर, जो कि जूस में डालते हैं। ये भी आप केजी के हिसाब से देते हो, किलो के हिसाब से? 5 किलो के हिसाब से भी देते हैं और किलो के हिसाब से। किलो कैसे देते हो? 200। ये है भाई साहब 200 रुपए किलो, शुक्रिया भैया। ये सर कच्चा आलू है? ये कैसे बेचते हैं आप किलो? 100 रुपए किलो। तकरीबन तकरीबन सारी सब्जी मैंने एक्सप्लोर कर रही थी, ये महंगे होते हैं, और एक वो साले भिंडी भी बच गई है। तो कैसे भाई का नाम? ये 500 रुपए। देखो मैंने कहा था ना, उसके दिमाग तो हिलना ही है बेचारे का, कि यार जहाँ पे 50-40 की बात सुनता है वहाँ आके 500 की सुन लेता है। मैंने करेला देखते कह दिया, मैंने बहुत महंगा है, पाकिस्तान में बहुत महंगा है। ये वो है ना, इसको क्या कहते हैं? ये कैसे है किलो? 200 रुपए किलो। कचनार, ये सामने क्या है? कचनार, इसको प्रिया याद नहीं आ रहा। खीरा कैसे है? खीरा वहाँ पे मैं वीडियो देखी थी 10 रुपए था किलो, यहाँ पे 70 रुपए, मतलब 60 रुपए। यहाँ पे मार्केट में कहीं देखा, बंदा सलाद भी नहीं खा सकते, यहाँ पे डाइटिंग भी नहीं कर सकते यार। सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा था, स्लिप हो गई थी बात। कैसे आप?
मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं अभी नाश्ता वगैरह करके आया बहुत सारी चीजें हैं ये जो जरूरी मुल्क होने के बाद भी ये पाकिस्तान जो है ना वो चीनी और काफी चीजें जो बाहर से इंपोर्ट कर रहा है ये पाकिस्तान का वो रेड वाला है हाँ अपने वाला महंगा है अपने वाला महंगा है ये राजस्थान वो इंपोर्ट करके भी सस्ता है बहुत स्वीट था यार ये भाई साहब ने मेला लूट लिया जी मेला लूट लिया वो बहुत ज्यादा लगता है अभी प्रमोशन अपनी खुद कर रहे थे आके ले लो मेरे जरूर आपका नाम क्या बताया आपने अब्दुल रहमान के पास जरूर आए और इनका सारा सामान है जो खरीदे ये भी अपने शुगर चला के बैठे हैं गुजरा वाला उनकी शहर है स्वीट लोग हैं ना मकसद है दिल की खुशी नाल है दिल की खुशी के साथ
ਵਧਣਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾਇਆ ਸੀ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਨਕੋ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ 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 ਇਸ ਲਈ ਓਕੇ ਬੜੀਆ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਭਰਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਇਨਕਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ मुझे लग रहा था कि ये लोग जो वेंडर्स होते हैं उनको पास बुलवाते हैं ढोल बजवाते हैं और लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है और फिर वो सेलिंग करते हैं पर ऐसा फिर वो अपनी सब्जी वगैरह बेचते हैं पर ऐसा कुछ भी नहीं है मजे करने के लिए अपने तरीके से बस जो खुश होता है तो थोड़े बहुत पैसे देता है और बीच में आके वो बजाते हैं आपका क्या है यहाँ पे आप क्या बेच रहे हो मैं कुछ नहीं बेचता मैं जूती लाना है अभी आप कह रहे थे बेचने हैं वो गाहक नहीं आ रहा है कोई बंदा टूट गया ऐसे छाटेंगे ना सड़क बना ले तो भाई साहब हो के आ गया हूँ मैं सब्जी मंडी से फ्रूट मंडी से आपको मैंने सब्जियों के रेट बताए फ्रूट्स के रेट बताए मैंने सब कुछ आपको बताया आपके देश में क्या चल रहा है और पाकिस्तान में क्राइसिस के टाइम पे सब्जियों का रेट क्या चल रहा है तो वो मैंने सब आप लोगों को बताया आप लोग भी अपने कंट्री का कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान फैमिली वालों का ध्यान आस पड़ोस वालों का ध्यान सबका ध्यान रखें और इम्पोर्टेंट मैसेज अपने बच्चों को फ्यूचर की इम्पोर्टेंस बताएं उनको दारू बीड़ी गुटखा तंबाकू शराब इन सारी गंदी आदतों से बचाएं बहुत ज्यादा डिफरेंस है प्राइसेस बहुत ज्यादा डिफरेंस और जैसे अलीजा ने कहा ना कि वो ताजिकिस्तान से जो प्याज इंपोर्ट कर रहे हैं वो सस्ता है एज कम्पेयर टू वो जो हमारा प्याज है उससे मतलब हमारा अपना प्याज महंगा है उस प्याज से मतलब आप ये समझे कि फिर कहेंगे कि इंपोर्टेड प्याज खरीद लेते हैं वो तो सस्ता जा रहा है यानी कि ऐसे भी हो सकता है यार मेरे तो ना जब वो 700 800 900 मैं तो परेशान होकर बैठा हुआ था इस तरह सोच रहा हूँ यार कि हम अपने किसान के लिए क्या कर हम अपने किसान को वो ही हम उनको अच्छी सहूलियात देंगे उनको बिजली सस्ती देंगे उनको पानी सस्ता देंगे फर्टिलाइजर खाद ये स्प्रे ये सारी चीज़ें जब हम उनको सस्ती देंगे ना तो फिर ही पाकिस्तान की जो सब्जियां हैं या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं उनके रेट नीचे आएंगे पैदावार ज़्यादा होगी तो महंगाई कम होगी सस्ती होगी यहाँ पे क्या है कि उनको वो चीज़ें इतनी महंगी मिलती हैं फिर वो आगे तीन तीन से होके पहले वो गई मंडी में उन्होंने 50 रुपए रखा फिर आगे गई किसानों से इस मंडी में आती है इस मंडी से जो छोटी मंडियां होती हैं छोटी मंडियों में जाती हैं छोटी मंडियों से फिर शॉप्स पे जाती हैं और शॉप्स के बाद फिर रेडियो पे जाती हैं एक और फैक्टर ये है कि जिन जमीनों पर सब्जियां उगाई जाती हैं उनका जो मालिक है उनका भी एक बीच में एक फैक्टर है उसमें होता है जिसकी जमीन भी अपना एक हिस्सा रखते हैं एक बड़ा हिस्सा रखते हैं उसके अंदर और जहाँ की जिनकी जमीन है हाँ वो तो है ना कि जमींदार लोग हैं भाई हमारी जमीन है किसान तो काम करने के लिए वर्कर्स है वहाँ पर वो तो वर्कर्स है ना साथ में ये है कि वो पहले इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं बी खरीदो ये खरीदो हाँ जमींदार बहुत पैसे लगाता है पूरा साल पैसा लगाता है उसपे फिर उसमें से अगर फॉर एग्जांपल नहीं लगा सकता किसान ही जिम्मेदार होता है किसान वहाँ पर काम कर रहे हैं एक जिम्मेदार है जिसने ये जमीन खरीदी है उसने वहाँ पर खाद ला कर दी है ट्रैक्टर ला कर दी है पानी फ्राहम किया और किसान ने उस पर काम किया मेहनत की और फर्क ये है कि दोनों कंट्रीज की जो प्राइस कंपैरिजन है ना वो उसमें बहुत डिफरेंस बहुत ज्यादा डिफरेंस और 8 to 9 टाइम्स ज्यादा है और ये भी कि इंडस्ट्री इंडिया की इतनी बड़ी है और पाकिस्तान की इतनी छोटी सी इंडस्ट्री है और उस पर इतना काम भी नहीं हो रहा हाँ, फर्टिलाइजिंग वाली इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है और डेवलप भी होती जा रही है मतलब एक चीज जो है वो है लेकिन उस पर मजीद काम करके उसको और डेवलप किया जा रहा है पाकिस्तान में इस तरह से कुछ नहीं है कि वहां पर इंडस्ट्री जो है उस पर काम किया जाए इस तरह की चीजों को जो सा है बाहर से एक तो इतना चीजें इंपोर्ट करें बाहर से गाड़ी मंगा ली बाहर से ये चीजें इस तरह की चीजें नहीं देखते कि जो जरूरत की है देखो ना फर्टिलाइजर वगैरह अगर पाकिस्तान में नहीं बन रहे तो बाहर से इंपोर्ट कर ले इस तरह करते हैं करते हैं इसलिए तो महंगी चीजें मिलती हैं अपना फर्टिलाइजर हमसे हो ही नहीं पा रहे हम बना नहीं पा रहे तो फर्टिलाइजर हम बाहर से मंगाते हैं ना तो इसलिए फिर वो प्राइसेस ज्यादा हो जाती है वजह ही ये है कि उनपे कॉस्ट ज्यादा लगती है
जब कॉस्ट ज्यादा लगती है तो जाहिर है वो मंडी में आते आते उनकी प्राइस बढ़ जाती है। खैर लेकिन इसने ना पता नहीं अपने जो जैसे पाकिस्तान का तो पूछ ही रहा था, साथ साथ ये इंडिया का भी बताता ना व्लॉग में, ताकि वो एक पता लगता है कि अच्छा डिफरेंस क्या है। लेकिन इन सारी सब्जियों पे जो है इन साइड रिएक्शन की फैमिली डिटेल्स में बता सकती है कि वहाँ पे आलू का क्या रेट है, प्याज का क्या रेट है, अदरक लहसुन मिर्ची हर चीज के भाई। करेले 500 रुपए किलो, करेला 500 रुपए किलो है भाई, मुझे वैसे भी नहीं पसंद करेला, तो अब तो मैंने अब तो एक और वो है कि बहुत महंगा, रहने तो नहीं खाते। तो इनके आज ओरिजिनल वीडियो का लिंक होगा। मोस्टली जो सब्जियां होती है ना वो टाइम के टाइम वो महंगी होती है, बाद में सस्ती हो जाती है, इस तरह ही होता है। खैर जो भी अब इंडिया से है वो इंडिया के प्राइसेस बताएं, जो बांग्लादेश है वो बांग्लादेश बताएं, और जो पाकिस्तान से है वो भी बताएं कि उनको कितनी कितनी, क्योंकि हर इलाके का अलग अलग रेट है, हर इलाके की मंडी और मंडी छोटी बड़ी दुकान, हर इलाके में रहने वाली हर एक दुकान का अलग रेट, अलग रेट है, एक मोहल्ले के अंदर दो अच्छी रेट है, मतलब चेक एंड बैलेंस का तो कोई जो है ना वो समझ ही नहीं, वो है ही नहीं। खैर आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाएं, इनको विजिट करें भाई, इन्होंने बड़ी बड़ी मेहनत से बड़ी मेहनत से और ये बहुत सुना भी दिया हाँ, बल्कि वो एक दो बातें भी बीच में करनी जरूरी थी कि बहुत सारे लोगों ने बड़ा अच्छा बिहेव किया, जो बीच में एक दो थे वो बड़े उनको अवॉइड कर रहे थे, और इस तरह के जो लोग होते हैं ये तो इनको जो है ना वो बस सुने इधर से निकाल दी, क्योंकि ये तो कहीं पे भी पाए जा सकते हैं, किसी कंट्री को जोड़ा नहीं जा सकता। पाकिस्तानी जो लोग हैं वो अच्छे हैं, पाकिस्तानी लोग जो हैं वो अपने मेहमान की इज्जत करते हैं, उनके साथ प्यार से बात करते हैं बहुत सारे, लेकिन बीच में जो एक हद केस था उस पे सबको ना जोड़ा जाए, क्योंकि हम भी जो है वो यही चाहते हैं कि प्यार हो, मोहब्बत हो, और दोनों कंट्री के जो लोग हैं एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलें, अच्छे से दोस्तियाँ हों, घूमना फिरना हो, बैठे हों, मिलजुल के खाएं पिएं। लेकिन जो इस साइड से या उस साइड से कुछ ऐसी सोच रखते हैं ना कि नहीं 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 ये नहीं, तो वो जरा वो भी पॉजिटिव हो जाए, और उम्मीद है कि हो जाएंगे एक टाइम पे पॉजिटिव, इंशाल्लाह हो जाएंगे। खैर अब तक आपको ये व्लॉग कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर, बाय।